घर का घर खाली कर दिया, एक जानवर भी नहीं छोड़ा, सब जो है ना वो चोरी हो गए। पहले से हम बहुत बड़ी परेशानी बन गई है, परेशान थे। अल्लाह खैर करेगा, आप टेंशन ना लिया करें, अल्लाह पाक बेहतरी फरमाएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल चाल हैं प्यारे बहन भैया। उम्मीद है कि आप सब खैर खरिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से आप सब बहनों और भैयों की दुआओं से आपका भैया अल्ताफ भी बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि हम जो ही वीडियो अपलोड करें आप तक जल्दी जल्दी पहुँच जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो है ना आपकी भाभी की तबीयत बेहतर है, शुक्र है अल्लाह पाक का। कल जो है ना ड्रिप वगैरह लगी, दवाई ले आया था, तो आप सब ने बहुत सारी दुआएं की। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो है ना काफ़ी बेहतर है तबीयत। तो चलें, आप चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो प्यारे बहन भैया, अब जो है ना हम इन्हें खल डाल रहे हैं भूसे के ऊपर, हम इसे कहते हैं सरेकी में बस्ता खल का। तो आज हमने सोचा ये चारा खा रहे हैं ना सब्ज, तो भूसे का जो है ना बस्ता आज खिलाते हैं। तो बच्चे माशाल्लाह कूलर जो है ना लेके जा रहे हैं, शरबत बनाते हैं। आज जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है सुबह सुबह के टाइम, ये देखें जी सुबह सुबह का टाइम है और पसीना आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये देखें जी आपकी भाभी जो है ना चारा काट रही है, इसे जो कुछ भी हो ना तो ये जो है ना चार पाई पे लेटती नहीं है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, क्या हाल चाल है प्यारे बहन भैया। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अल्लाह के करम से आज जो है ना मेरी तबीयत बेहतर है। आपका भाई जो है ना दवाई ले आया था और मैंने वो दवाई खाई, तो मैं अब जो है ना ठीक हूँ। और सब बहन भाइयों ने दुआ भी की है और मैं ठीक हो गई जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब ने ढेर सारी दुआएं की, जजाकल्लाह खैरा, अल्लाह ताला आपको जजाए खैर अता फरमाए। आमीन। तो चारा जो है ना काटा जा रहा है, फिर जो है ना इसका टोका करके जानवरों को डालेंगे। मैं काम ना करूं तो फिर जो है ना मुझे तकलीफ ज्यादा हो जाती है। हाँ जी, जब मैं काम करती हूं तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूं। इसी वजह से तो इसे आराम नहीं आती, क्योंकि मुझे जो है ना अच्छा लगता है जानवरों के करना। चलें जी, मैं भी आ रहा हूं, कटवाता हूं, फिर जो है ना टोका करते हैं। ठीक है। हाँ, बस टोका करते हैं और बकरे को डालते हैं, बकरी को, बच्चों को तो जो वो डाला है भूसा। चल माशाल्लाह, आप जो है ना आपका भाई चारा काट रहा है, मेरे जो है ना सांसें फूलने लगी। चलें जी, आज मैं काम करूंगा सारा। चलें, मेहरबानी होगी आपकी। वर्जिश हो रही है डॉक्टर साहब? हाँ जी, सुबह सुबह का टाइम माशाल्लाह अच्छी वर्जिश होती है। चलो, प्यारे बहन भाइयों, आपका भाई जो है ना वो चारा काट रहा था और मैंने कहा कि मैं जो है ना तंदूर गरम कर लूं, और क्योंकि गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही है, और मैं रोटी बना लूं। ये देखें प्यारे बहन भाइयों, जहाँ पे हम बछड़े बांधते हैं और यहाँ पे जो है ना मैंने सफाई सारी कर ली है,
झाड़ू लगा दिया है। अब जो है ना इसमें मैं पानी डालूंगी क्योंकि ये जगह जो है ना ठंडी ठंडी हो जाएगी और सुकून से बैठेंगे बकरे भी और बछड़े भी। ये देखें, चोरी चोरी वीडियो बन रही है। हाँ जी, मैंने कहा कि प्यारे बहन भाइयों को भी दिखा दो है ना आपका भाईचारा कैसे काट रहा है। छुप छुप के वीडियो बनाई जा रही है। चल रहे, मैं जो है ना चारे के अंदर बैठी हूँ, अंदर बैठकर मैं वीडियो बना रही थी कि आपके भाई को पता ना चले कि मैं वीडियो बना रही हूँ। जी तो चारा जो है हमने काट लिया है माशाल्लाह से, और ये भी अभी थोड़ा बहुत पड़ा है। उठा लिया और मैं उठा रही हूँ ये दातरियाँ। प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है ना 6:30 का टाइम है सुबह का, लेकिन गर्मी जो है ना बता रही है कि आज मैंने आप लोगों के साथ क्या करना है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो अब जो है ना टोका करते हैं, आप सब ने हमारे साथ रहना है। ठीक है जी, चल हबीबुल्ला थक तो नहीं गया है? नहीं, आपने किया था, हबीबुल्ला गया। मेरी तो वर्जिश हो रही है, वर्जिश दोनों छोले बन रहे हैं। हाँ, सुस्ती करेगा। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह टोका जो है ना हमने कर लिया है। बछड़े जो है ना वो अभी भूसा खा रहे हैं। बकरे को अभी डालना है चारा, अब जो है ना बकरे को डालने लगे हैं। ये जी आ गया बकरे के लिए। जी तो भूसा जो है ना कुछ बचाया हुआ है, अब जो है ना इसके अंदर टोका मिक्स करते हैं, ये जो है ना कुछ खा लेंगे। है वे गर्मी, गर्मी पता नहीं क्या करेगी हमारे साथ, क्या बनेगा हमारा, हम गरीबों का बेचारों का। टोका कर लिया, आप जो है ना इसको अंदर रखते हैं। हबीबुल्ला जो है ना बैठा है इंतज़ार में। हैं हबीबुल्ला, चलो उठवाओ। जी तो रोटियां लग चुकी हैं और मखई भी हो चुकी हैं, प्याज भी ऊपर डाल दिए हैं। बस एक रोटी आप। हाँ जी, अभी मैंने नहाना है, पसीना सुखा लूँ
नहा के फिर जो है ना नाश्ता करूँगा। फिर कहेंगे ये तो ठंडी हो जाएगी, पहले नहाऊंगा मैं। ये तो मैंने नहा लिया और आपकी भाभी जो है ना पानी दिखा रही है बच्चों को। अच्छा इसमें आटा और नमक डाला है? हाँ जी, आटा भी डाला है नमक भी डाला है। चलें जी, क्योंकि इन्हें गर्मी नहीं लगेगी जी। तो अब जो है ना इस बछड़े को पिला रहे हैं। आटा और नमक जो है ना इसलिए हम डालते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो ये गर्मी से हिफाजत रखते हैं, यानी कि आटा और नमक। ये देखें जी माशाल्लाह बछड़ा जो है ना अब ठीक लग रहा है। जब आया था ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था, दोनों कमज़ोर लग रहे थे, तो माशाल्लाह अब जो है ना ये आपके सामने है। तो जी माशाल्लाह दोनों बछड़े जो है ना अंदर आ चुके हैं और आज जो है ना इनको कुरान पाक की ज़ियारत करवाई है, उनका साया भी दिया है, तो ये जो है ना बीमारियों से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बकरा ले आ, बकरा, और बकरे को भी ज़ियारत करवा रहे हैं, इसका साया दे रहे हैं कुरान पाक का। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक कुर्बानी कबूल फरमाए हमारे सब बहनों और भाइयों की। बकरा जो है ना पानी पी रहा है माशाल्लाह। बकरी को भी दिखाया है पानी? हाँ जी, पहले बकरे को भी दिखाया था, पहले भी पिया था, अब भी पी रहा है। चलें जी। हाँ जी, बच्चे बैठे हैं देख रहे हैं बछड़ों को। जी तो मैं अब जो है ना फिर से शहर जा रहा हूँ और जो काम रुका हुआ है दुआ करें कि वो हो जाए, अल्लाह खैर करे। जी तो मैं शहर पहुंच चुका हूँ फाइनली, दुआ करें कि वो काम हो जाए, अल्लाह खैर करे। जी तो प्यारे बहन भैया मैं वापस घर पहुंच चुका हूं और ये जो है ना सूट लिए हैं जो यास्मीन सिस्टर ने यूके से पैसे भिजवाए थे, वो यतीम बच्ची हलीमा और उसकी वालदा के लिए जो है ना ये दो सूट लिए हैं माशाल्लाह से। ये दो सूट हैं हलीमा के। हाँ ये हलीमा के और ये हैं उनके अम्मी के सूट। माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारे सूट हैं गर्मियों के लिए। तो खोल कर दिखाऊं? बस खोल लेना। ये तो ये जो है ना माशाल्लाह अच्छे वाला सूट है। सिलाई मेरी बेटी कर देगी, सिलाई करके फिर जो है ना उनको देंगे। और ये है शलवार। हाँ जी, तो यास्मीन सिस्टर अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता फरमाए, तो ये जो है ना सिलाई करके उन्हें देंगे इंशाल्लाह। पहले तो मशीन नहीं थी, अब जो है ना मशीन तो अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है और हमारी बेटी भी सीख रही है माशाल्लाह, वो अच्छी सिलाई कर देती है। हाँ जी, तो फिर ये हमारी बेटी सिलाई करेगी। प्यारे बहन भैया शाम के 6 का टाइम हो चुका है लेकिन गर्मी जो है ना अभी तक हमारा बुरा हाल कर रही है। अल्लाह पाक रहम फरमाए हम सब पर। और एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, बहुत बड़ा हमारे लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है। इनके भाई मेरे इनके साले उनकी जो है ना 8 बकरियां चोरी हो चुकी हैं, घर का घर खाली कर दिया है। मेरा छोटा छोटा भाई था, उनकी जो है ना अबू तकलीफ में है, उन्होंने कहा है कि इनकी शादी करो। मैं जो है ना देखता हूँ अपने बेटे का बेटे की शादी, तो सब ने मिलकर यही बात की कि जो है ना बकरियां खड़ी हैं, यही बकरियां बेचकर इनकी शादी करते हैं। हाँ गरीब बंदा तो बेचारा यही सोचता है, वो बकरियां बेचकर चले 8 बकरियां माशाल्लाह कुछ हो जाता जो है ना, वो सब की सब जो है ना चोरी हो गई, घर का घर खाली कर दिया, एक जानवर भी नहीं छोड़ा, सब जो है ना चोरी हो गए। हाँ पहले से हम बहुत बड़ी परेशानी बन गई है, परेशान थे और दूसरी परेशानी ये हो गई है। अल्लाह पाक रहम फरमाए। तो आप टेंशन ना लें,
पहले भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अपनों की टेंशन होती है। अल्लाह खैर करेगा, आप टेंशन ना लिया करें, अल्लाह पाक बेहतरी फरमाएगा। किस्मत में यही था, क्या कर सकते हैं। तो प्यारे बहन भैया दुआ करनी है, अल्लाह ताला सबके रिज्क की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब फरमाए। ये जो चोर चोरियां कर रहे हैं इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। और बकरियां माशाल्लाह बहुत बड़ी बकरियां थी, जैसे कहते हैं कि 40,000-50,000 के करीब बकरियां थी। बस किस्मत में यही होगा, अल्लाह पाक खैर करे। बस आप टेंशन ना लें, आपकी भाभी जो है ना बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है, वैसे भी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी टेंशन की वजह से फिर से जो है ना ये टेंशन ले रही है, अल्लाह पाक खैर करेगा, आप टेंशन ना लें। तो प्यारे बहन भैया इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप जो है ना बच्चों की भी देखभाल करनी है, चारा वगैरह काटना है, वीडियो की एडिटिंग भी करनी है, वीडियो अपलोड भी करनी है, तो वीडियो भी नहीं बना पाऊँगा फिर मैं। तो बच्चों की भी देखभाल करते हैं, उनको चारा वगैरह टोका करके डालते हैं। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर कल वाली वीडियो में। दो में याद रखना, अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह खैर कैसी टेंशन ना गिदी कर।